पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर तो फिलहाल शोर कम है, लेकिन नया शोर विक्रम मजीठिया को लेकर है। पंजाब के पूर्व मंत्री मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज है, किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मजीठिया पर एनडीपीएस की धारा 25, 27A और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मजीठिया के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। ये रिपोर्ट 2018 में एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू की अगुवाई में तैयार हुई थी, जिसमें मजीठिया का नाम होने का दावा है। किस तरह मजीठिया पर पंजाब में सियासी महाभारत छिड़ गई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। जिस मजीठिया के नाम पर इतना पवा, इतने बयान, उन्हें जमीन निकल गई या आसमान। पंजाब की पुलिस अपने ही सूबे के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया के तलाश में आकाश पाताल छान रही है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा। मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन आशंका इस बात की है कि मजीठिया देश में है या देश छोड़ चुके हैं। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले चन्नी सरकार ने ड्रग्स कार्ड खेला और अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर कानून का फंदा कसने लगा। पहले मुकदमा, फिर लुकआउट नोटिस। जाहिर है पंजाब का पहले से गर्म चुनावी माहौल और गर्म हो गया। वो कानून के मुताबिक कोई जी कोई मिनिस्टर का किसी का साडा कोई लेन देन नहीं, तो एक्शन लेना साडी गवर्नमेंट का जहाँ वो डिपार्टमेंट का काम है। पंजाब में चुनावी माहौल के बीच पंजाब की चन्नी सरकार ने एक तीर से तीन निशाने साधने की कोशिश की है। निशाना नंबर एक अरविंद केजरीवाल, निशाना नंबर दो कैप्टन अमरिंदर सिंह, निशाना नंबर तीन सुखबीर सिंह बादल। चन्नी अपनी चाल चल चुके हैं, उनके एक्शन पर रिएक्शन भी हो रहा है। मजीठिया पर मुकदमे को शिरोमणि अकाली दल बदले की कार्रवाई बता रहा है। प्रकाश सिंह बादल कहते हैं कि कांग्रेस बादलों को जेल भेजने की बात पहले से कह रही थी। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਆ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨੌਟੰਕੀ ਬਤਾ ਰਹੀ। ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 5 ਸਾਲ कांग्रेस की सरकार ने नशे के व्यापार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, लेकिन चुनाव से 5 दिन पहले चोण जाप्ता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 5 दिन पहले यह FIR कर इलेक्शन स्टंट करना चाहती है चन्नी सरकार और कांग्रेस पार्टी। अकाली दल के बड़े नेता, बादल परिवार के करीबी रिश्तेदार और पंजाब के पूर्व मंत्री मजीठिया पर ड्रग्स के धंधेबाजों से मिलीभगत के आरोप लंबे समय से लगते रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में मजीठिया आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक के सीधे निशाने पर थे, लेकिन पंजाब में सत्ता बदलने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से आलोचना झेल रहे चन्नी ने मजीठिया को देर से ही सही मुकदमे में लपेट तो दिया, लेकिन उनका ये कदम कितना दुरुस्त है ये तय होना भी बाकी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की तर्ज पर पंजाब में कांग्रेस सरकार के कप्तान तो चन्नी हैं, लेकिन विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा की तर्ज पर विस्फोटक बयानबाजी करने वाले सिद्धू की निगाहें हैं इसी कुर्सी पर। इसीलिए चन्नी ने सिद्धू को साधने के लिए दांव तो चला, लेकिन निशाने पर विरोधियों को ले लिया। दिल्ली से कैमरामैन सुनील के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।